शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 1/1/13। तो सर्वप्रथम मीठे मीठे सदा हम सभी बच्चों का कल्याण करने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सर्व को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और वर्ष भी देखो कौन सा है, वर्ष भी है 13। हम बच्चों ने भी जो कुछ भी अपना है वो सब किसके हवाले किया है और किसको कहा सब कुछ 13। तो एक को, वो एक है, हम भी एक हैं, और उस एक को ही मैं आत्मा ने कह दिया कि मेरा सब कुछ 13। लेकिन देखना, कहीं ऐसे नहीं करना कि मेरा तो 13 कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो 13 है वो मेरा। हाँ, 13 वो मेरा, तो वो 13 मेरा क्या है? तो वो है नई दुनिया, जो नई सृष्टि ला रहे हैं, नया युग आ रहा है, और नए युग में हम वहाँ संपूर्णतया सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता के साथ अपने उत्साह और उमंगों से भरी हुई अपनी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली वह जीवन उस सृष्टि में व्यतीत करेंगे। तो नवयुग की भी आप सर्व को बहुत बहुत बधाई हो। और आइए अब नए वर्ष की नई मुरली और नए वर्ष की बधाइयों के साथ, नए पुरुषार्थ के साथ और अपनी फरिश्ता स्थिति के तीव्र पुरुषार्थ के साथ आरंभ करते हैं मीठे मीठे बाप दादा के अनमोल महावाक्य सुनकर। तो आज की तारीख है 1/1/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, अर्थात मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। आज कलयुग के अंदर तो झूठ की ही बोलबाला है, लेकिन मीठे मीठे सत्य बाबा आकर के हम बच्चों को सच बोलना सिखलाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि ये सब कुछ बाबा का है, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले, उन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। प्रश्न दूसरा है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली तो सभी बच्चे सुनते हैं, लेकिन हरेक की नंबर वार सुख का अनुभव करने की स्टेज अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि किन बच्चों को सुख भासता है? उत्तर है, जो समझते हैं कि हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो बहुत सुख भासेगा। गीत भी बड़ा प्यारा मिला बजा है, मिलन का ही गीत बजा है, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। हम सर्व आशिकों का माशुक प्रीतम कौन है?
हाँ कहने की आवश्यकता नहीं, वही हमारे कल्प पहले वाले मीठे मीठे शिव बाबा। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, नंबर एक, बाप द्वारा जो सुख और शांति का खजाना मिला है वो क्यों मिला है। बाबा कहते हैं वो खजाना सबको देना है, ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। नंबर दो है, दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल, अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बन, एक प्रीतम को याद करना है। प्रीतम हमारा अशरीरी है, तो हमें यदि उनसे मिलन मनाना है तो हमें भी अशरीरी होकर उसे याद करना पड़े। वरदान है दिलाराम बाप की याद के द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव, क्योंकि जो इच्छाओं का त्याग करता है वही अच्छे बनते हैं। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वो क्या करते हैं, बाबा कहते हैं सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी कौन सा शब्द नहीं निकलता जो वर्तमान युग में वर्तमान समय में लोग अक्सर जब एक दो को मिलते हैं तो मिलते ही वह शब्द निकालते हैं, और वह शब्द है हाय। मिलेंगे तो कहेंगे हाय, अब हाय हाय तो करनी नहीं है, बाबा ने तो हमें वाह वाह करना सिखलाया है, तो हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह, तीनों ही काल हमारे वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छे हैं। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है आज का, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज न हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।